नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी वीडियोस। इटावा जर्नलिस्ट एसोसिएशन इटावा इकाई की बैठक हुई संपन्न। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। काफी संख्या में पत्रकारों ने बैठक में लिया हिस्सा। जनपद सिद्धार्थनगर में इटावा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के पहाड़ापुर रोड पर स्थित आज अखबार कार्यालय पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इटावा इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इटावा तहसील अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर चौधरी ने की। बैठक का संचालन पत्रकार नियम तुल्लाह ने किया। बैठक में संगठन के विस्तार व कार्य की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। महामंत्री रवि प्रकाश पांडेय ने संगठन के दायित्व को बताते हुए कहा कि सभी साथी स्वच्छ व पवित्र पत्रकारिता पर विशेष ध्यान दें। भ्रामक व असत्य खबरों को प्रकाशित करने से परहेज करें। समाज में असहायों की आवाज़ बनकर निर्भीकतापूर्ण तरीके से उसे प्रकाशित कर शासन व प्रशासन के सामने लाएं। साथ ही हम सबको एकजुट रहकर काम करना चाहिए। तहसील अध्यक्ष जंग बहादुर ने कहा, आज पत्रकारिता में फिर खबरों की जगह ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो देश व समाज के लिए काफ़ी चिंताजनक है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। बैठक का मूल उद्देश्य क्या था और पत्रकारों हित के लिए आपने क्या किया और क्या क्या करना चाहेंगे? मैं रवि प्रकाश पांडे, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इटावा इकाई। आज जो मासिक बैठक इंडियन जर्नलिस्ट की संपन्न हुई, इसमें पत्रकार के हितों को लेकर के विचार विमर्श चर्चा की गई। साथ ही संगठनात्मक विस्तार को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से संगठन का हमारे विस्तार हो और हमारे संगठन के साथियों का कहीं उत्पीड़न न हो पाए, इसको लेकर के आज की यह बैठक संपन्न हुई। और यह हर मासिक हर महीने में यह बैठक संपन्न होती है और हर महीने पर यह विचार विमर्श चलता है और चलता रहेगा। संगठन का विस्तार हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है, जिसमें पत्रकारों का हित सुरक्षित रहे, इस पर हमारा संगठन पूरा कार्य कर रहा है।